नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ बस्ती। बस्ती जिले में आज कांग्रेस पार्टी द्वारा शास्त्री चौक पर किसानों की समस्याओं एवं उत्पीड़न के विरोध में धरना प्रदर्शन किया गया। धरने में हिस्सा लेने पहुंचे कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव जुबेर अहमद ने कहा कि उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों में जो किसानों अनाज के उचित भाव नहीं मिल रहे हैं, पराली के जलाने के झूठे मुकदमे में लोगों को फंसाया जा रहे हैं, इन मुद्दों को लेकर आज सभी जिलों में धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। आज पूरे प्रदेश में कांग्रेस के साथी किसानों व आम जनता के मुद्दों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारी मांगे हैं कि किसानों को उनकी उपज का वाजिब भाव मिले, लोगों को रोजगार मिले, पराली की आड़ में जो किसानों पर जो मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं उन्हें वापस लिया जाए। वही विकास दर कम होने के मुद्दे पर सरकार को घेरते हुए जुबेर खान ने कहा कि मनमोहन सरकार के समय में जो जीडीपी 10% के ऊपर थी, आज वह 4.5% रह गई है, जो काफी चिंता का विषय है। तो बहुत है, लेकिन ये जो आज का धरना प्रदर्शन और ज्ञापन का कार्यक्रम है उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों में, ये जो किसानों को गन्ने के उचित भाव नहीं मिल रहे, पराली के आड़ में झूठे मुकदमे लोगों पर लगाए जा रहे हैं, इन मुद्दों को लेकर विशेषकर आज ये धरना प्रदर्शन है। और सभी जिलों में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के साथी और जो हमदर्द हैं किसानों के, वो सब लोग धरना प्रदर्शन में हिस्सा ले रहे हैं। और इन धरना प्रदर्शन से लगता है कि जो आदरणीय सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में प्रियंका जी ने जो गरीबों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, बेरोजगारों के लिए इनके मुद्दों को उठाने के निर्देश कांग्रेस जनों को दिए हैं कि जनता के बीच में जाओ और जनता के दुख दर्द को समझो और उनके मुद्दे उठाओ और प्रशासन पर दबाव और सरकार पर दबाव बनाओ कि लोगों को भाव ठीक मिले उनके अनाज के, लोगों को रोजगार मिले, पराली के आड़ में जो झूठे मुकदमे किसानों पर लगाए जा रहे हैं उनको सरकार वापस ले। ये आंदोलन चलता रहेगा।